Very good morning, students. Uh, yesterday, we have completed the part of uh, types of industries. Uh, we classified it in primary, secondary, and tertiary industry. If you are not aware about that, you can check the previous video link. Uh, today, we are going to start with the commerce portion. Actually, we studied that. Um,

प्रमोट करता है फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो रेडी हो गया है बट हाउ यू आर गोइंग टू सेल इट यू आर गोइंग टू ट्रांसफ़र इट टू सम अदर पर्सन या किसी के साथ खरीदने बेचने का काम करना वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किस किस में आती हैं कमर्स के अंदर आती है ठीक है ये क्या कहती है कमर्स एक लिंक बन के रह जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रोड्यूसर ने तो चीज़ बना दी अपनी तो कंज्यूमर तक पहुँचाने तक ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री से सीधा तुम्हारे घर पर आ जाती है नहीं तो देयर आर सम चैनल्स उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स के भी नाम से जानते हैं तो ये सारा हमारे पास आ जाता है कमर्स का एक्टिविटीज़ ठीक है कमर्स का पार्ट बन जाता है कमर्स की हेल्प से हमारी बहुत सारी हंड्रेंसेज रिमूव हो जाती हैं जो एक्सचेंज के टाइम पर हमें चाहिए ये हंड्रेंसेज कैसी होती हैं हंड्रेंसेज मतलब होता है प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है जैसे मान लो मैंने गुड तैयार कर दिया प्रोड्यूसर का तो सामान सारा तैयार है बट वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक कैसे जाएगा लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है प्लेस दूर दूर एरियाज़ पर पहुंचाना टाइमली उसको पहुंचाना रिस्क फैक्टर उसको बचा कर रखना चीज़ को फिर पैसा होना ना होना ठीक है फिर इंफॉर्मेशन वो सब तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है ये सारी प्रॉब्लम्स कौन रिमूव कर देता है कमर्स रिमूव कर देता है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी हंड्रेंसेस कहाँ पर रिमूव हो जाती है कमर्स में आके रिमूव हो जाती है देन हमारे पास आ जाता है रोल और फंक्शंस ऑफ कमर्स देखो जो कमर्स है वो इंड्रेंसेस को रिमूव करता है ये मैंने आपको बता दिया है अब इंड्रेंसेस कौन कौन सी सबसे पहले हिंड्रेंस इसने समझा दी पर्सनस की पर्सनस कौन होते हैं बेटा देखो काम जब कारोबार करना है बिजनेस करना है तो दो ही तरह के लोग होते हैं एक तो व्यापारी होता है और दूसरा होता है ग्राहक कस्टमर तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो कोई हिंड्रेंस है इन दोनों के बीच में आपस आप की कोई कंटैक्ट इनसे नहीं बन पा रहा है या कोई ये आपस आप में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाली हिंड्रेंस जब रिमूव करता है ये कमर्स के थ्रू हो जाती है सबसे पहले हिंड्रेंस रिमूव होती है ऑफ़ पर्सन ठीक है और ये किसके थ्रू हो जाती है ट्रेड के थ्रू ये कारोबार करते हैं आपस में एक दूसरे के कंटैक्ट में आते हैं बाजार में आ जाते हैं या नॉर्मल फ़ोन पर बात कर सकते हैं किसी भी वे में तो हिंड्रेंसेज ऑफ़ पर्सन इज रिमूव थ्रू ट्रेड ट्रेड ठीक है एक ऑर्गेनाइज मार्केट भी यहाँ पे मिलती है ये जैसे मार्केट मैंने आपको बताया हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस अब प्लेस की क्या प्रॉब्लम है प्लेस की ये प्रॉब्लम है भाई कि आज मेरी प्रोडक्शन सारी गुजरात में हो रही है पहुँचानी मैंने सारे एरियाज़ में है ऑल ओवर कंट्री तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो किसके थ्रू सॉल्व हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये आपको पता है वी आर हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ जल्दी पहुँचानी है मैं डिफरेंट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी जहाँ लगता है चीज़ मैंने स्लो वे वे में भी चले जाएगी या पास ही है तो उसके लिए कोई और ट्रांसपोर्ट का मोड यूज़ कर लूँगी ठीक है तो ये कमर्स इसकी भी हिंड्रेंस रिमूव करता है देन हिंड्रेंस ऑफ टाइम टाइम के हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा टाइम क्या होता है देखो अब मान लो आज गुड प्रोड्यूस हो गया है आज हमारी डेट है फिफ्थ फिफ्थ ऑफ मई को डेट गुड प्रोड्यूस हो गया है बट जब ये सेल होने तक पहुँचेगी ना बात तो ये हो जाएगी थर्टियथ मई अब थर्टियथ मई तक वो गुड कहाँ पर रहेगा प्रोड्यूसर ने तो भेज दिया अपना गुड देखो अगर तो बेटा वो गुड डिपेंड करता है अब मान लो दुकानदार है मैं उसके घर दुकान के बाहर जाके खड़ी हो गई हूँ प्रोड्यूसर बन के कि ले लो मेरे से गुड मैं तो तुम्हारी दुकान पे देने आई हूँ दुकानदार कह रहा है मेरी दुकान पर जगह भी नहीं है वो गुड रखने के लिए ठीक है तो इसमें क्या मतलब है कि हमें हिंड्रेंस ऑफ टाइम को भी देखना पड़ेगा कि कब जरूरत है उस चीज़ की मुझे किस टाइम पर जरूरत है तो ये वाली रिमूव होती है विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग स्टोरेज का मतलब होता है चीज़ों को जमा करके रखना वेयर हाउसिंग एक ऐसा वेयर हाउस एक ऐसा एरिया होता है एक जगह होती है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर करके रखते हैं आपने पोटैटो गडाउंस देखे होंगे जनरली वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज हाउसेस देखे होंगे वहाँ पर बड़े बड़े डोम टाइप के बने होते हैं वहाँ पर क्या होता है वो चीज़ों को स्टोर कर करके कर रखते हैं तो ऐसे बहुत सारे वेयर हाउसेज बने होते हैं जहाँ पर आप अपने टाइम की जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव कर सकते हो आप अपनी स्टोरेज हाउस में रख लो कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब आप अपना गुड वहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकते हो देन हमारे पास आ जाती है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिस्क का क्या मतलब होता है देखो अब गुड यहाँ से वहाँ जाना है तो देयर कैन भी मैनी हेंड्रेंसेस ठीक है बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है वो हेंड्रेंसेस कैसी कैसी हो सकती हैं वो चोरी हो सकती है आग लग जाना एक्सीडेंट हो जाना सामान का नुकसान तो इससे बचने के लिए कमर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस ठीक है इससे पहले कमर्स ने क्या प्रोवाइड किया ट्रेड प्रोवाइड कर दिया फिर उसने कमर्स ने क्या प्रोवाइड कर दिया आपको आपको वेयर हाउस भी प्रोवाइड कर दिया देन आपको कमर्स ने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर दी अब आपको इंश्योरेंस भी दे दी है अब आपको फाइनेंस देने लगा है कमर्स फाइनेंस मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो भी सारा किसके अंडर आता है कमर्स के अंदर आता है तो पैसे की अगर कोई भी दिक्कत होती है पैसा चाहिए एक्सेस में है या आपके पास नहीं है तो आप निकलवाना चाहते हो वो सारा का सारा बैंकिंग से रिलेटेड है एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो कॉमर्स आपको फाइनेंस की भी हिंड्रेंस से प्रॉब्लम से दूर करता है देन हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप टी वी देखते हो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉमर्स ठीक है वो सारा का सारा कमर्स का पार्ट है जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है अब प्रोड्यूसर ने चीज़ बना दी क्या सोच के बनाई क्यों बनाई वैसी वो चीज़ वो कस्टमर को भी बताना चाहता है उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी कि वो सारी देश के कस्टमर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जाए घर घर तो इसीलिए वो क्या करता है वो एडवर्टाइजमेंट का एक सोर्स यूज़ करता है तो कमर्स एडवर्टाइजिंग की हेल्प से हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देती है आई होप आपको इतना समझ आ गया हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एम सी क्यूज़ के फॉर्म में भी आ सकते हैं पेपर में देन हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं दो चीज़ें आती हैं एक ट्रेड और एक होता है ऑक्जेलरीज टू ट्रेड ट्रेड होता है बेटा व्यापार करना एक्सचेंज करना और ऑगजेलरीज टू ट्रेड मतलब जो चीज़ें ट्रेड को करने में हमारी हेल्प करती हैं उसको बोलते हैं एड्स और ऑगजेलरीज टू ट्रेड अगर मैं पहले ट्रेड की बात करूँ तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग या इसको एक्सचेंज भी बोल देते हैं हम ठीक है अब हमने पढ़ा था पीछे ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन अभी हमने यहाँ पे रीड किया था कि ट्रेड जो होता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड तो इसीलिए यहाँ पर भी इन्होंने सेम लाइन लिखी है और यहाँ पर जो ट्रेड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं ट्रेडर्स और मिडल मैन मिडल मैन कौन होते हैं जो बीच में लोग आते हैं किसके बीच में प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो लोग आते हैं जितने भी वो सारे कौन होते हैं पर्सनस होते हैं या फिर वो मिडल मैन होते हैं तो ट्रेड को हम किस किस एरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं देखो बेटा ट्रेड को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे एक हमारा होगा इंटरनल ट्रेड और दूसरा होगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड वो होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो क्या होता है इम्पोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड अब आपको ध्यान से ये समझना है कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है एक्सटर्नल ये एज द वर्ड सजेस्ट इंटरनल ट्रेड वो होता है बेटा जो विद इन दी नेशनल बाउंड्रीज होता है हमारी बाउंड्रीज़ के अंडर ही अंडर जो ट्रेड हो रहा होगा व्यापार हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड ठीक है trade, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे मार्केट्स है जितनी भी आपके अंदर कंट्री के अंदर जो मार्केट्स हैं वो सारी की सारी विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज है इसीलिए हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे ये दो तरह का होता है बेटा एक होता है होलसेल एक होता है रिटेल जब आप माहिरा गेट में जाके किताबें खरीदते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर सारे के सारे जो भी कस्टमर जो भी शॉप्स हैं वो सारी किसकी होती हैं बुक सेलर की होती है फुटबॉल चौक में स्पोर्ट्स मार्केट में जाते हो सारी शॉप्स किसकी होती है स्पोर्ट्स की होती हैं ठीक है ठीके? अब इसका क्या मतलब है वो कौन से ट्रेडर होते हैं होलसेल ट्रेडर होते हैं वैसे ही अगर आपके घर के पास कोई दुकान खुली होती है छोटी सी स्पोर्ट्स की या फिर आपकी बुक्स की तो वो स्टेशनरी की वो होती है रिटेल ट्रेड अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों में बेसिक बेसिक फ़र्क ये है बेटा जो होलसेल ट्रेड होता है होल करता है कौन करता है होल करता है होल जो ये काम करता है ना ये क्या करता है ये डायरेक्टली किससे खरीदता है डायरेक्टली बाइस फ्रॉम दी प्रोड्यूसर ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से जाके चीज़ों को खरीद लेता है अब प्रोड्यूसर से जाके हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो और ये खरीदता किस में है बल्क में खरीदता है ज़्यादा थोक में ख़रीद लेता है अब बल्क में खरीदता है तो इसको जो चीज़ों के दाम होते हैं वो सस्ते मिलते हैं ठीक है यहाँ और रिटेलर का क्या सीन होता है रिटेलर कभी भी बल्क में नहीं खरीदता रिटेलर होल से ख़रीदता है ठीक है जनरली ये जो ट्रेड लाइन होती है ऐसी होती है कि ये प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूसर के बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ पर होल ठीक है होल के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है रिटेलर जहाँ से हम एक्चुअल में चीज़ें लेकर आते हैं ये इससे ख़रीद लेता है बल्क में और जो रिटेलर होता है वो होल से ख़रीदता है बट बल्क में नहीं ख़रीदता स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है अब स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है इसीलिए उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है ज़्यादा उसको जनरली चीज़ थोड़ी बहुत सस्ती मिलती है बट हमें वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही सेल करता है यह आपको पता होना चाहिए होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है बेटा जो हम आउटसाइड दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ करते हैं मतलब इन टू और मोर कंट्रीज जो हम ट्रेड करते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड में हमारे पास इम्पोर्ट ट्रेड इम्पोर्ट का मतलब आपको पता है बाहर से चीज़ें मंगवाना अगर हम पेट्रोल अपना नहीं ले रहे हैं हम बाहर से मंगा रहे हैं अरेबियन कंट्री से तो ये क्या कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट मतलब बाहर एग्जिट होता है, है ना एग्जिट तो ये होता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना चीज़ें बेच देना एंट्री पोर्ट ये आपके लिए न्यू है एंट्री पोर्ट का मतलब होता है बेटा हमने चीज़ों को इम्पोर्ट करना है इम्पोर्ट मतलब खरीदना है याद रखना एंट्री पोर्ट में पहले इम्पोर्ट आएगा इम्पोर्ट कर रही हूँ मैं चीज़ें ताकि मैं किसी और को एक्सपोर्ट कर सकूँ इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स ताकि मैं किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकूँ इसमें क्या कर रही, रही हूँ अपने लिए ख़रीद रही हूँ इसमें क्या कर रही हूँ बेच भी रही हूँ अपने लिए इसमें क्या कर रही हूँ ख़रीद रही हूँ अपने लिए नहीं ख़रीद रही हूँ ताकि इसलिए ख़रीद रही हूँ कि मैं किसी और को बेच सकूँ जैसे यहाँ पे बोला इंडिया इम्पोर्ट्स मैनी कॉमोडिटीज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू एक्सपोर्ट दैम टू नेपाल ये प्रॉफिट जनरेशन के लिए कभी कभी होता है किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तो उसके इसमें हम ऐसी एंट्री पोर्ट जैसे ट्रेड को फॉलो करते हैं समझ में आ गया आई होप आपको समझ आया हो इतना कि कमर्स के अंदर ट्रेड पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या है इसके बाद ऑक्जिलरी ट्रेड है ये भी बहुत ज़्यादा इजी है इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है बट कोई बात नहीं हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर कर लेंगे थैंक यू सो मच